हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपने पावर का इस्तेमाल करती है ऑन अ वेरियस नोट्स। तो क्या क्या ऐसे पावर्स हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, NCLT के, जिसके बारे में मैं आपको अभी आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मैं आया हूं अपने चैनल पे, जहां पे आपको दिख रहा होगा कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। आप अगर हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना होगा, इग्नू बीकॉम में आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है। उस वाले ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 119 रुपीज का जो है चार्ज लगेगा। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते दामों पे, और आपको जो असाइनमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं इग्नू बीकॉम में, वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। किसी भी तरह का 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आपको असाइनमेंट्स जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगी जब आप हमारे चैनल के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताता चलूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको इग्नू बीकॉम न्यू बोल के ये एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको आपकी बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर BCOC 131 से लेकर के 134 135 आपका आई गेस फर्स्ट ईयर में है। उसके बाद फिर 136 137 138 एंड BCOL 138, फिर आपका BCOS 183 184। इसके अलावा जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी, वो अभी आए नहीं है बट वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप अच्छे तरीके से एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो की है पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT के कौन कौन से पावर्स होते हैं, राइट? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द पावर एज अ सिविल कोर्ट, तो जिस तरीके से कोर्ट होता है, कोर्ट काम करता है, कोर्ट जैसे कि क्रिमिनल होता है, सिविल कोर्ट होता है, उसी तरीके से NCLT जो है एक किस्म का सिविल कोर्ट है, एक ट्रिब्यूनल है, जहां पे लोग जाकर के अपनी गुहार लगाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसके ऊपर सुनवाई करने का काम जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करती है, जो की कंपनी से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको देखती है, ठीक है ना? तो कंपनी तो द ट्रिब्यूनल शैल इंजॉय द सेम पावर्स एज अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। ये जो मैटर्स मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगा, इन सारे मैटर्स पे, इन सारे किस्सों पे नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल के पास वो पावर्स हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1908। 1908 का सिविल प्रोसीजर एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो पावर सिविल कोर्ट के पास होते हैं वही पावर्स NCLT के पास भी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी होता है। अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर वो जो है अपना फैसला सुना सकती है? सबसे पहला है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, है ना? तो किसी भी व्यक्ति को समन करना, बुलाना या उसको इन्फोर्स करना कि आप अटेंडेंस पे आओ, आप ड्यूटी अटेंड करो, आप अपने ड्यूटी को ठीक तरीके से करो, है ना? और उसको एग्जामिन करना कि वो कैसा है, उसकी मानसिक हालत कैसी है, इस तरह की कोई बात अगर होती है तो उसको देखने का काम भी जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कर सकती है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जब भी इस तरह का कोई केस आता है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होता है, प्रोडक्शन डिस्कवर करना होता है, तो उस केस में भी NCLT आपको ऑर्डर दे सकती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होगा। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, NCLT जिस तरह से सिविल कोर्ट एविडेंस रिसीव करती है ऑन एफिडेविट, उसी तरीके से NCLT भी कंपनी के मामलों में एफिडेविट रिसीव कर सकती है एज ए एविडेंस। Subject to provision of 123-124 of the Indian Evidence Act 1972, requisitioning any public record document or company or copy of such record or document from any offices. अब इसके पास ये भी powers हैं ये कि कभी भी ये according to section 123-124 जो कि है Indian Evidence Act 1972 का, उसके according वो किसी भी public company को, किसी भी किसी भी institution को, department को ये order दे सकती है कि जो भी public records उसके पास अवेलेबल है, जो कि डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी, और उस सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है उनके सामने लाना पड़ेगा। ये अधिकार जो है NCLT को दिया गया है कि अगर वो इस तरह का कोई डिमांड करती है तो इस डिमांड को पूरा किया जाएगा।
पांचवा नंबर पॉइंट है इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, है ना। एक तरीके से कमीशन इश्यू करने का काम जो है एनसीएलटी का होता है, जो एग्जामिनेशन होता है विटनेस और डॉक्यूमेंट्स का, उसके ऊपर कमीशन मतलब एक तरीके से उसको वैलिड करने का काम जो है वो एनसीएलटी के पास होता है, वो पावर उसके पास होती है। नाउ डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, है ना। तो एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, उसको एक तरीके से डिफॉल्ट करना, उसको खत्म कर देना या फिर एक्सपार्ट कर देना, उसको एक तरीके से नल वॉइड घोषित कर देने का काम जो है वो भी उसकी पावर जो है वो भी एनसीएलटी के पास है। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रेस्क्राइब सेक्शन 424(2), तो 424 सेक्शन 2 जो है वहां पे बहुत सारे और भी मैटर्स हैं जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा ही पॉइंट्स को लिखा गया है, पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 424(2) उसमें और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, जिन सारे मैटर के ऊपर जो है सुनवाई जो है एनसीएलटी में हो सकती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हो सकती है। ठीक है, इसके पावर जो बी नंबर पावर है वो ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, अगर वो कोई ऑर्डर देती है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम जो है वो भी एनसीएलटी करवा सकती है। मतलब एनसीएलटी आपको इन्फोर्स करती है कि आपको जो है इस काम को जल्दी ही एग्जीक्यूट करना होगा। एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल मे बी इन्फोर्स्ड इन द सेम मैनर एज डिक्री मेड बाय द कोर्ट इन अ सूट, है ना। तो किसी भी सूट में जिस तरीके आई मीन किसी भी केस में जिस तरीके से कोर्ट एक तरीके से यू नो इन्फोर्स करवाती है, डिक्री देती है कि आपको जो है ये काम करना पड़ेगा, उसी तरीके से एनसीएलटी के पास भी अधिकार होता है कि वो आपको इन्फोर्स कर सकती है एक तरीके से कि आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो, है ना। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, है ना। तो जिस तरीके से कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है पावर होता है, उसी तरीके से एनसीएलटी के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ देयर कोर्ट का भी पावर होता है। द ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर एंड अथॉरिटी टू पनिश द कंटेम्प्ट एज द हाई कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 सेक्शन 425। तो कंपनी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1972 उसके अकॉर्डिंगली जो सेक्शन 425 है उसके अकॉर्डिंगली एक तरीके से जो एनसीएलटी है उसके पास भी सेम पावर्स है जो कि एक हाई कोर्ट के पास होते हैं कि किसी भी कंटेम्प्ट के केस में जो है वो किसी को भी सू कर सकती है या फिर किसी को भी वो पनिश कर सकती है। सू तो कर ही लेगी, पनिश करना भी एक का अधिकार भी जो है उसके पास है। ऐसा नहीं कि उसको कोर्ट के पास ही जाना होगा, एनसीएलटी भी उसको पनिश कर सकती है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ईटीसी। तो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसका अगर हेल्प का जरूरत पड़े तो वो भी एनसीएलटी उसकी दरकार कर सकती है, उसकी डिमांड कर सकती है, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी इसको मना नहीं कर सकता। इन एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी और रिहैबिलिटेशन ऑफ अ सिक कंपनी द ट्रिब्यूनल मे आस्क द हेल्प ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी प्रॉपर्टी एंड बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो सपोज कोई कंपनी जो है बंद होने वाली है, उसका वाइंडिंग अप होने वाला है, तो उस केस में एनसीएलटी को अगर कोई दिक्कत होती है, अगर उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो वो उनको बुला सकते हैं, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुला सकते हैं, उन सबको कॉल अपॉन कर सकते हैं कि सारे लोग आ करके जो जो कस्टडी प्रॉपर्टी है फिर जो बुक ऑफ अकाउंट है उनको वो ठीक तरीके से देखें, जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उनको ठीक तरीके से देखें और असिस्टेंस प्रोवाइड करें एनसीएलटी को ताकि उस कंपनी को वाइंड अप किया जा सके और या फिर उसको बंद किया जा सके। राइट, सो दीज आर द पावर्स ऑफ अ कंपनी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आई होप कि आपको यह काफी अच्छा लगा होगा लेक्चर जहां पे मैंने एनसीएलटी के पावर्स के बारे में बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।